ये वीडियो धोराजी के उपलेता रोड पे होजवाला कब्रस्तान का है, जो कुछ दिन पहले शूटिंग किया गया है। अब मेरा पहला सवाल यह है कि इसका संचालन धोराजी अंजुमने इस्लाम मेमन बड़ी जमात करती है और यह कब्रस्तान की आमदनी के लिए कब्रस्तान के बाहर दुकानें बनाई गए है और सालाना लाखों रुपये की आमदनी है और कई डोनर कब्रस्तान की हिफाजत के लिए लाखों रुपये भेजते हैं और फिर भी कब्रस्तान की यह हालात तो सब रुपये कहा जाते हैं। दूसरा सवाल शरीफ अजीज भाई भगाड़ से, शरीफ अगर कब्रस्तान का काम करना ही था तो ये कब्रस्तान में अच्छी साफ सफाई और कई सारी कब्र टूट गए है, गंदे नाले का पानी कब्रस्तान में फैलता है, ऐसा नेक काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने के बाद अगर कोई परमिशन नहीं देता तो भी आप ऐसा काम करा सकते हो और पूरी धोराजी की जनता आपका साथ सहकार देती, क्योंकि ये बहुत नेक काम है और कब्रस्तान में कोई नुकसानी भी नहीं होती। जबकि अभी कुछ दिन पहले जो न्यू कब्रस्तान में शरीफ ने किसी को भी पूछे बिना जेसीबी के दोबारा रात को डिमोलिशन करके लाखों रुपये का नुकसान और कई सारे पेड़ पौधे भी तोड़ दिया, वो भी एक सरकारी गुनाह होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद धोराजी मेमन जमात चुपे, इसका कारण किया सुनने में आया है कि धोराजी में ड्रग्स पावड और चरस पीने वाले लोगों को शरीफ ये शौक पूरे करने के लिए ऐसे लोगों रुपये देता है जिसको भाड़ूटी गुंडे बोला जाता है। अगर कोई कब्रस्तान के बाबत में आवाज उठाता है तो ऐसे लोग उस बंदे को परेशान करते हैं। जैसे मेरे को कॉल आया था, कोई अनवर करके मेरे को कॉल किया था, उसकी ऑडियो क्लिप मैंने कल वायरल किया था, लेकिन आज तक किसी का अता पता नहीं है। मैं बहुत बेसब्री से उनकी राह देख रहा हूँ कि इनकी जो खातिरदारी करनी है, हो सकता मेरे पास उनकी चाल कामयाब नहीं हुई, इसलिए हो सकता है वो लोग धोराजी अंजुमने इस्लाम मेमन बड़ी जमात के प्रमुख हमीद गोदील के वहां चले गए हो और हमीद डर गया हो। और हाँ, मेरे जासूस शरीफ भगाड़ और इसके शरीफ साथीदारों की इंक्वायरी कर रहे कि ये लोग कितना शरीफ काम करते हैं। आपके पास कुछ दिनों में जोरदार मसाला पेश करूंगा। लिखता अनीस कांगड़ा।